करोड़ से अधिक किसानों का बकाया गन्ना भुगतान बाकी है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक पंकज मलिक ने डीसीओ अनिल भारती का घेराव किया। उन्होंने बताया कि जनपद का किसान अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन कोई भी अधिकारी किसानों की समस्याओं का समाधान करने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश का गन्ना राज्य मंत्री किसानों का रिकॉर्ड तोड़ भुगतान करने का दावा करता है, लेकिन जनपद शामली में किसानों का भुगतान नहीं हो पाया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसानों का बकाया गन्ना भुगतान समय पर न किया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आज गन्ना भुगतान के संदर्भ में हम लोग जिला गन्ना अधिकारी से मिले। हमारे जनपद के अधिकारियों की इसलिए भी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि एक तो उत्तर प्रदेश में जनपद शामली और मुजफ्फरनगर में अत्यधिक गन्ना होता है, और गन्ना यहाँ का किसान गन्ने पर ही आधारित है, उसका जीवन गन्ने से ही चलता है। अगर गन्ने की फसल उसकी अच्छी होती है, उसे दाम समय पर मिलता है तो उसका घर परिवार चलता है, नहीं तो वो परेशान रहता है, उधार मांग करके अपना जीवन व्यतीत करता है। ये शामली के गन्ना अधिकारी हैं, सौभाग्य से या दुर्भाग्य कहेंगे, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन सौभाग्य या दुर्भाग्य जो भी समझे, गन्ना जो प्रदेश का मंत्री है वो भी हमारे जनपद शामली से। जनपद में गन्ने का मंत्री है और फिर भी गन्ने का भुगतान का इतना बुरा हाल है, आज भुगतान नहीं हो पा रहा, लोग दुखी हैं, परेशान हैं, और भुगतान के साथ साथ दोहरी मार किसान को झेलनी पड़ रही है। तो उसकी फसल का कीमत नहीं मिल पा रही, और दूसरा उसने जो गन्ना बोया था वो खेत पे खड़ा मील पूरी तरफ से गन्ना ले रही। सरकार के प्रतिनिधि झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं, वो कहते हैं कि हम एक गन्ना खेत में नहीं छोड़ेंगे, जबकि आज किसान पर्चियों के लिए मारा मारा फिर रहा है। कई शिकायतें आई हमारे क्षेत्र में, खिदरपुर एक सेंटर है, वहां से शिकायतें आई कि बूगी आती है और जो वहां मील के कर्मचारी अधिकारी हैं वो वापस भिजवाते हैं। मैं इन्हीं सब मामलों को लेकर के जिला गन्ना अधिकारी से मिला था, और मैंने ये भी कहा कि अकेला शामली सुगर मिल का लगभग 150 करोड़ बकाया है, पूरे जनपद का 200 करोड़ से ज़्यादा, बल्कि 250 करोड़ के लगभग बकाया होगा, तो कैसे किसान जिंदा रह पाएगा? ये सरकार क्या कर रही है इनकी कान खोलने के लिए? हम लोग हमारे नेता से भी बात हुई, विधानमंडल दल के अजय लल्लू हैं विधायक जी हमारे, और नेता हैं वो भी उठावेंगे वहाँ सदन में, और उठाया भी है उन्होंने। कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से लड़ाई लड़ती रहेगी जब तक किसान को उसका अधिकार नहीं मिलता। कांदला क्षेत्र के गांव खेड़ा कुरतान निवासी दर्जनों ग्रामीणों ने अपर पुलिस अधीक्षक जगदीश शर्मा को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि गांव की ही एक युवती को गुरमीत वेला फुसलाकर भगाकर ले गया था। मामले में परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही किए जाने की मांग की थी। आरोप है कि पुलिस ने गत 12 मार्च को युवती को बरामद कर लिया और